जब अटल बिहारी वाजपेयी के एक भाषण ने जनसंघ को जिताया था चुनाव। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण कौशल अद्भुत था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी अटल के भाषण कौशल के मुरीद थे। कहा जाता है कि क्या पक्ष और क्या विपक्ष, जब अटल बिहारी वाजपेयी बोलने उठते थे तो सभी उनकी बात को ध्यान से सुनते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के एक भाषण ने 1971 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारी जनसंघ को दिल्ली में नगर पालिका चुनाव जीता दिया था। 1971 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ के सांसदों की तादाद 35 से घटकर 22 रह गई थी, जबकि इससे पहले हुए चौथे लोकसभा चुनाव में जनसंघ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जनसंघ ने चुनाव में 35 सीटें जीती थी, लेकिन 1971 के चुनाव में जनसंघ को करारा झटका लगा और इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुई। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी अपनी किताब हार नहीं मानूंगा में लिखते हैं कि जब अपा घटाटे ने वाजपेयी से पूछा, संसद में इंदिरा जी क्या प्रतिक्रिया है, वाजपेयी हंसकर बोलो, अभी तो हमारी तरफ बहुत प्यार से देखती हैं। 1971 के आम चुनाव ने जनसंघ को लगभग साफ कर दिया था। लोकसभा चुनाव के बाद ही दिल्ली में नगर पालिका चुनाव होने थे और वाजपेयी ने अपनी शैली में भाषण दिया और जनसंघ ने म्यूनिसिपल चुनाव जीत लिया। दरअसल जनसंघ की हार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी शैली में भाषण देते हुए दिल्ली की जनता से कहा, आपने इंदिरा गांधी को मौका दिया, वे तो ठीक है, लेकिन अब हमें सफाई के लिए झाड़ू लगाने का मौका तो दो। जनसंघ दिल्ली में चुनाव जीती और जनता ने झाड़ू लगाने का मौका दे दिया।